जी, मेरा नाम करीम अहमद आज़ाद है और आज हम आपके प्यारे कोटा सिटी में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सेकेंड मैच लेके आ रहे हैं, जो कि ए बी प्रमोशन की सारी काविश है। ए बी प्रमोशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इस इवेंट में 5 मेल फाइट्स और 2 फीमेल फाइट्स इंशाल्लाह कल कंडक्ट होने जा रही हैं। डिफेंस डे के मौके पे ये डिफेंस डे फाइट करके उन्होंने से एक इवेंट अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल 2016 से पाकिस्तान में सरगर्म है और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अरूज के लिए बहुत सारी काविशें कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट ओलंपियन बॉक्सर अब्दुल रशीद बलोच साहब जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 36वां प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले हम नेशनल इंटरनेशनल इवेंट सुपरवाइज कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रमोशंस के अंदर, जिनमें एक एक प्रमोशन आमिर खान प्रमोशन, उस्मान वजीर प्रमोशन, हुसैन शाह प्रमोशन के अंदर, जावेद नजीबी प्रमोशन के अंदर इवेंट्स पर बात हुई। हमारा टारगेट ये है कि बलूचिस्तान का जो टैलेंट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे यूनिक है और यहाँ से जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हमारा यही एक गोल है कि यहाँ से बच्चों को आगे लेके जाया जाए, जो पूरी दुनिया में अपना अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने एक अच्छे कैरियर का आगाज करें। अनफॉर्चुनेटली हमें अभी उस तरह कुछ सपोर्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़्यादा सपोर्ट करने वाली वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट हो तो इंशाल्लाह वो तो दूर नहीं है जब पाकिस्तान में इस शहर से और मुख्तलिफ शहरों से वर्ल्ड चैम्पियन निकलेंगे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अभी इस इवेंट में आबिद भाई जो हैं ये एज अ प्रमोटर ए बी प्रमोशन के सीईओ हैं, ये आपसे कुछ बताएंगे। फिर इवेंट के जो फाइटर्स हैं उनकी मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर करूँगा। जी हाँ, ए बी प्रमोशन ये हमारी यानी सेकेंड बल्कि थर्ड है मेरा अपना पर्सनल। इसके पहले हमने कराची में 2 इवेंट करवाए ए बी प्रमोशन के अंडर और तीसरा हमने प्लान किया था कि डिफेंस डे पे अपने जो हमारे हीरोज हैं उनको हम डेडिकेट करें इस खासतौर पर ये इवेंट। तो पहले कहीं और शायद ग्वादर में हमारा था, लेकिन अब हमने क्वेटा में उसको मूव किया और पूरे पाकिस्तान से हमने बॉक्सर बुलवाए मुख्तलिफ वेट्स में, जिसमें हेवी वेट के हमारे 2 बॉक्सर तैमूर भाई और रेहान भाई हैं, ये रेहान भाई तैमूर भाई हेवी वेट के हैं और 2 फीमेल फाइटर्स हैं फ्रॉम 2 फाइट्स हैं, 2 लड़कियां लाहौर से हैं और 2 कराची से जो आपस में फाइट करेंगी। एक क्वेटा से है जी हाँ, वो हतारा कम्युनिटी से है एक बॉक्सर। असल मकसद ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को पूरे पाकिस्तान में हम लेकर तो चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, लेकिन बलूचिस्तान में हम अब तक एक ही इवेंट कर पाए हैं और वो भी 2017 में एक था, इंटरनेशनल इवेंट था, यूबीओ का टाइटल फाइट थी, नादिर बलोच उनसे खेले थे। तो उसके बाद अब दोबारा हमने बलूचिस्तान का रुख किया और इंशाल्लाह बहुत अच्छे इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे ए बी प्रमोशन के अंडर। और हमारे जो यहाँ का टैलेंट है बलूचिस्तान का उसको हमने आगे लेकर आना है और इन लड़कों को फ्यूचर में यानी पूरी दुनिया में लेकर जाना है। तो एक प्लेटफॉर्म है, अपनी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल रशीद बलोच का और पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का कि उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म हमें तैयार करके दे दिया है, ताकि ये लड़के जो पहले इससे पहले तो ये था कि यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं होती थी, यही लड़के जो तैयारी करके जैसे तैसे करके बाहर ममालिक के लिए अप्रोच करते थे, लेकिन वहाँ पे तो जिसके पास पैसा है वो जा पाता है और माली हालात तो हमारे पाकिस्तान में सबके आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके घर में इन बच्चों को इनके घर में सब कुछ जो है ना इंशाल्लाह मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बलूचिस्तान में ही इंटरनेशनल फाइट्स और बेल्ट फाइट जो हमारे जो कहते हैं टाइटल फाइट्स भी इंशाल्लाह करवाएंगे और ए बी प्रमोशन ने इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट जो है ना इंशाल्लाह ग्वादर में और इंटरनेशनल फाइट वो होगी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, आपने कहा कि पैसे जिसके साथ नहीं हो सकते वो आगे नहीं बढ़ सकता, कौन पैसे लेता है और कहां से पैसे लेते हैं कि जाके जो बॉक्सर है ये आगे नहीं बढ़ सकता? सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में असल में ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए आपको बाहर मुल्क जाना है, यहाँ पाकिस्तान में पहले नहीं थी, पहले 2017 से पहले यहाँ नहीं थी, तो बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो आप पहले तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखेंगे और जब आपकी रैंकिंग बनेगी तब आप आगे जा पाएंगे, उससे पहले तो यानी आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले मोहम्मद वसीम से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। देखिए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें तमाम बॉक्सर्स को लाइसेंस लेना पड़ता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने के लिए। तो पहले ये था कि बाहर जाके आप टिकट्स लेके बाहर जाते थे, प्रमोटर से साथ अटैच होते थे, फिर वहाँ पे आपके एक्सपेंस होते थे, फिर वहाँ पे डॉलर्स में आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। ये फैसिलिटी हम यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आए हैं जो यहाँ के लड़के हमारे लाइसेंस हो गए प्रॉपर तरीके से और जो एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के वायद जवाबित है उनके अंडर रहते हुए ये इवेंट्स खेल रहे हैं, लाइसेंस हो के खेल रहे हैं और इसी तरह से ये सारे लड़के हमारे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, आप ये बता रहे थे कि आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आप सपोर्ट करें, जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो है ना सोचने की बात ये है कि बलूचिस्तान से एक ही हजारा कम्युनिटी की लड़की है जो वो उसमें खेलेगी, मतलब दूसरों को क्यों आप नहीं जाना चाहते या एक ही है यहाँ पे? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमने जिस वक्त ये फाइट्स अरेंज की हैं, हमने पूरे बलूचिस्तान में ओपनली हमने सबको ऑफर किया है कि आए यहाँ पे। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि थोड़ा सा एक गेम डिफरेंस है, सिर्फ वहाँ से एक बच्ची जिसने एक विनर्स शो किया है कि वो खेलना चाहती है, हालांकि यहाँ पे टैलेंट बहुत है। अभी यहाँ पे तकरीबन 6 लड़के खेल रहे हैं, कोटा से 6 लड़के खेल रहे हैं, तो वो एक बच्ची जो है उसने कहा वो खेलना चाहती है तो उसको हम आगे लेके आ रहे हैं। हम ओपनली हाजिर हैं, हम यहाँ पे इस वजह से आए कि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को लेके आए। जितने बच्चे या बच्चियाँ जो विलिंग हैं और खेलना चाहती हैं, मैं आपके एक पोस्ट गुजार करूँ, हमारा मीडिया बहुत मोहतरम है और इनके तवस्सुल से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत बच्चे आगे निकलेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त वर्ल्ड में 21वें नंबर पे हमारी एक बच्ची है जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही है। आप इमेजिन करें कि वर्ल्ड में 21वें रैंकिंग पे पाकिस्तान की बच्ची, जहां पे 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला पॉपुलर कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसके अंदर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें प्रमोटर्स आगे आएंगे वो बच्चों को साइन करेंगे, हायर करेंगे और उनको आगे फाइट्स उनकी करवाएंगे। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का जो एक पर्पस है वो है इवेंट्स को सुपरवाइज करना अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये जितने इवेंट्स हैं ये इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में जो 36 इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें वर्ल्ड रैंकिंग में ये इवेंट्स हैं और 100+ लड़के इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें से 12 फीमेल हैं। फीमेल्स का स्कोप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में क्योंकि फीमेल्स कम हैं, तो फीमेल्स जितनी आगे आएंगी उनके आगे बढ़ने का चांस इतना ज़्यादा है और मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेल से पहले शायद पाकिस्तान में फीमेल्स का इंटरनेशनल टाइटल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और बड़े अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे ले जाएं। इन मैचेस के स्केड्यूल और कब से खेले जा रहे हैं? जी, आज इसका वेन्यू होगा, शाम को 5 बजे इनका वेट होंगे, वेन्यू यहाँ पे होंगे, ठीक है, और जो फाइट्स हैं वो इंशाल्लाह अल अजीज कल शाम 5 बजे स्टार्ट होंगी गैरिसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी, ये प्रोफेशनल एक ही दिन होता है, ये एक ही फाइट होती है, हर प्लेयर ने एक फाइट खेलनी होती है। इसमें करिए अगर आप 7 दिसंबर को सितंबर को कर दें, इसकी वजह कल स्केड्यूल इतने ज्यादा हो जाए, आप लोग कितने हाईलाइट नहीं हो जाओगे? चलिए कोई बात नहीं, आप भाइयों की इतनी भी स्कोर हुई तो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है हम चाहते हैं पाकिस्तान में एनुअली 48 इवेंट्स करवाना। लास्ट ईयर 2019 में हमने अपना पहला टारगेट अचीव किया था, 12 इवेंट्स करवाए थे एक साल में, उसके बाद ड्यू टू कोविड आप सबके सामने है थोड़ा सा उसको रोकना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा टारगेट है कि 1 महीने के 4 इवेंट पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे करवाएं। उसमें हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट मिनिमम बलूचिस्तान में 12 इवेंट पर ये जो है एक इवेंट कम से कम, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, हम चाहते हैं प्रमोटर्स आए बच्चों को हाईलाइट करें। यहाँ का टैलेंट पूरे पाकिस्तान में सबसे डिफरेंट है और ये बच्चे जितना ही मेहनत करते हैं, जो इनका एटमॉस्फेयर है, इनको फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं।
तो मैं चाहूंगा आप सब मीडिया के तवज्जो से कि आप लोगों की भी अगर थोड़ी सी हमें इस तरह की सपोर्ट है, जिस तरह माशाल्लाह आप आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने अपना टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकाला है यहाँ पे आए हैं, तो ये आप लोगों की बहुत नवाजिश है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे ऐसी सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। ये थोड़ा सा मैं आपसे कनेक्ट करा दूं, ये हैवीवेट बॉक्सर है इस वक्त पाकिस्तान में जो है सेकंड पे जा रहे हैं और ये आगे खेलने जा रहे हैं जी। तहमूल आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इस्लामाबाद से आए हैं ये। सबसे पहले तो मैं मीडिया का और पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमें इस इवेंट में खेलने का मौका फराहम किया, और बस इंशाल्लाह सुबह मेरी कल फाइट है। पहले मैं नंबर वन पे था लेकिन अभी काफ़ी अर्सा मैंने फ़ाइट नहीं की तो मैं भी सेकंड नंबर पे आ गया था, इस वजह से मैं ये फाइट कर रहा हूँ कि मैं वापस अपनी रैंकिंग बहाल करूँ। रिहान मेरे हैं, इनके साथ इंशाल्लाह कल हमारा अच्छा मुकाबला होगा। अभी ये अकमल हैं, ये कोयटा से हैं, आगे बच्चा बैठा है ठीक है, इधर से ये मुख्तियार हैं, इसके अलावा पाँच चार और बच्चे हैं जो कोयटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपसे फिर भी ये गुजारिश करता हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का इवेंट होगा, 5 से, क्योंकि शुरू होते होते हो सकता है कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आप जो भी जितना भी टाइम निकाल सकें मोस्ट वेलकम इट्स ऑनर फॉर अस कि आप लोग आएँ और इन बच्चों को हाईलाइट करें। जितना आप लोग इन बच्चों को हाईलाइट करेंगे उससे ज्यादा सपोर्ट इनको नहीं हो सकती। हम एक कोशिश में हैं, देखें आगे अल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह।